के मत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। हम सब के मत हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी, कृषि मंत्री आदरणीय सुखताप शाही जी, आदरणीय आशुतोष टंडन गोपाल जी, आदरणीय बलबीर सिंह गोलर जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर संयुक्ता भाटिया जी, आप सब आज पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन करने के लिए उपस्थित हैं। मैं सीधे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आग्रह पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा। अंत्योदय के प्रणेता स्वतंत्र भारत में एक आत्म मानव दर्शन के माध्यम से जीवन की वास्तविकता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, पूर्व मंत्री तमाने विधायक श्री गोपाल जी टंडन जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के मान्य सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने
आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया, वह आने वाले समय में सरकार की मार्गदर्शिका ही बन पाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न या आगे की पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया जब स्वतंत्र भारत में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री से हट करके भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए की सरकार सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। उस समय हर गरीब को राशन उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा और बीपीएल स्कीम के माध्यम से राशन की सुविधा गरीब तक पहुंचाने का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गांव गांव में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परियोजनाओं को भारत ने अपने सामने साकार होते हुए देखा।